हेलो गाइस, दिस इज सनी के दसवानी। वेलकम टू आवर चैनल BSW स्टॉक्स एंड फाइनेंस। आज हम बात करेंगे कि ट्रेड कैसे लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करके अपन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि रिलायंस का एक चार्ट है। रिलायंस में हमने हमारे जो ग्रुप में, अब हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, जिसमें हम फ्री में सब प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को। फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। देखिए, ये हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था करीब करीब 2100 के आसपास, 2170 या 80 के आसपास। अब रीज़न क्या था इस ट्रेड को एंटर करने का? यहाँ से ऊपर आया प्राइस, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, नीचे सपोर्ट आया, वापस ऊपर रेजिस्टेंस लिया, वापस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस तोड़ते हुए ऊपर चला गया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, हमने वो ऑलरेडी रेकमेंड कर दिया था सबको फ्री में। तो आपको एक बात तो पता ही होगी, पहले से ही मैं वीडियोस देखते होंगे जो लोग मेरी, कि मैं एक रीज़न से ट्रेड नहीं लेता। इस ट्रेड में भी कई रीजंस थे मेरे पास, वो भी मैं आपको अगली वीडियोस में बताता जाऊंगा। तो चलिए, दूसरा एक स्टॉक था मेरे को जो आपको बताना था, डिवीस लेबोरेटरीज यानी डिवीस लैब। तो चलिए इसका देखते हैं। डिवीस लैब एक्चुअली एक ब्रेकआउट दिया था, एनएसई का देखते हैं। डिवीस लैब में एक ब्रेकआउट आया था, एक रेजिस्टेंस एरिया से वो ऊपर नहीं आ पा रहा था प्राइस, लेकिन उसके बाद जैसे ही ऊपर आया, वैसे नेक्स्ट डे ओपनिंग डे ही उसने एकदम अच्छा खासा मूव दे दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं इस चार्ट में कि प्राइस ऊपर जाता है रेजिस्टेंस के पास, नीचे आता है, फिर से रेजिस्टेंस के पास जाता है, फिर नीचे आता है, फिर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, और ब्रेक करते ही यहाँ पे हमने हमारे ग्रुप वालों को बोल दिया था बाय कर लो, और जैसे कि आप देख सकते हैं प्राइस कैसे भाग गया ऊपर, राइट। ये जिसमें भी मेरे पास एक और रीज़न था, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा अगली वीडियोस में। फिर एक और एक्सिस बैंक देख लेते हैं। एक्सिस बैंक में बहुत अच्छा अभी पैटर्न बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस कर लिया मैंने इस चीज़ के ऊपर कि ये देखो, एक रेंज में प्राइस घूम रहा था। जैसे आप देख सकते हैं मैंने दो वाइट लाइंस बनाई है, एक रेंज में प्राइस घूम रहा था। रेंज से जैसे ही ब्रेक हुआ प्राइस, देखो आप ये रेंज देख रहे हो, ये एक रेंज दिख रही है क्लीन एंड क्लियर, दो टेढ़ी लाइन है, टेढ़ी लाइंस में आप देख सकते हैं उस रेंज में ही प्राइस ऊपर और नीचे हो रहा था। फिर जैसे ही वो ऊपर से नीचे एक बार ब्रेकआउट दिया, ये रेंज के बाहर आया, फिर वापस से ऊपर गया, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो किधर गया ऊपर, जिधर पहले गया था उसके ऊपर नहीं जा पाया। इसका मतलब साफ है कि वहाँ पर अब ऊपर जाने का थोड़ा चांस कम है। तो हमने हमारे क्लाइंट्स को ये भी, क्लाइंट्स नहीं बोल सकता, हमारे जो मेंबर्स थे टेलीग्राम ग्रुप के, उनको ये भी हमने नोटिफाई करवा दिया था, उनको नोटिस दे दी थी, जैसे कि आप देख सकते होंगे। तो गाइस, आप भी अगर चाहें तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है, फ्री ही टेलीग्राम ग्रुप है। और जैसी सर्विसेज मैं आपको वहाँ दूंगा, आई एम श्योर कोई भी आपको फ्री में बिल्कुल नहीं देने वाला है। तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, फ्री है ग्रुप।